नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। आज एक बढ़िया बात की आलोचना करेंगे, जो ये है कि प्रेग्नेंट महिला जो हैं गाड़ी में आपके बैठते हैं, आपके घरेलू मेंबर हो कि जो भी हो, तो पहली बात है सीट बेल्ट कैसे यूज किया जाए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारा जो बेल्ट सीट बेल्ट है यहाँ पे लगा होता है, ड्राइवर साइड भी होता है। मैं थोड़ा मोबाइल माउंट कर देता हूँ तो आपके के लिए माउंट कर देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मेरे पास उसे की स्टैंड नहीं है। तो फिर मैं आपको पूरी तरह के समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे साइड ड्राइवर साइड या को साइड में आपका सीट बेल्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे लाते हैं आकर इसके ऊपर जो पिन होता है यहाँ पर लगा देते हैं। ये तो ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जो प्रेग्नेंट महिला है उसका, उन लोगों का पेट जो थोड़ा है बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे जरा मेरे पेट के ऊपर ये जो पट्टी लगा होके रहता है, एक तो यहाँ से आता है, यहाँ पे लॉक होता है, यहाँ पे जो लॉक होता है और फिर यहाँ से जाता है। लेकिन प्रेग्नेंट महिला के ऊपर जो पेट है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए उनको थोड़ा दिक्कत है। तो ऐसे क्या करते हैं, डॉक्टर के कहना है कि थोड़ा ये लूज करके इसको थोड़ा बाहर खिंचवाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आज ऐसा एक इंस्टॉलेशन करेंगे हमारे गाड़ी में जो पहले से भी उपलब्ध है। देखिए आज ऐसा क्यों क्या कैसे करा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं आकर, आइए। ये मेरा गाड़ी का पिछला हिस्सा है, जो बैक सीट जो है मैंने इसे निकाल दिया है। आप सभी गाड़ी का निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है साइड वाला लोगों के लिए है, ये है दूसरे साइड वाला लोगों के लिए है, और ये है बीच वाला, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा होगा सेंटर या कुछ भी लिखा होगा। तो यहाँ पर एक ये है, ये जो सेंटर वाला है, ये सीट बेल्ट जो है ये यहाँ पे लग सकता है, सेंटर वाला है। और एक यहाँ पे है सीट बेल्ट जो यहाँ पे है, ये भी लग सकता है, और दूसरा वाला ये भी है, ठीक है, ये भी है। लेकिन ऐसे यहाँ पे है जो ये वाला और ये वाला हमारे काम में आता है, लेकिन जो ये वाला है, ये वाला और ये जो वाला है, शायद हमारा काम में बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, इसको खोल कर आगे की सीट में बांध देंगे, ठीक है। इसे खोलकर हमें आगे की सीट में बांध सकते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं कैसे खोला जाता है, ठीक है। इसी तरह एक रेंची लेना है, स्पैनर लेना है, लेकर इसमें इसे गिरा देना है, ठीक है। आराम से इसे खोल जाएगा, ठीक है। ये भी खोल सकते हैं, और ये भी ऐसे लगा कर ये भी खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, मैकेनिक के पास ले जा सकते हैं, लेकिन आप घर पर बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। आइए करते हैं। देखिए यहाँ पे जो तीन, यहाँ पे जो सीट बेल्ट दिखा हुआ है, ये वाला जो है ये सेंटर के लिए है, ठीक है, ये वाला भी सेंटर के लिए है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो लिखा है सेंटर लिखा हुआ है, आपको शायद दिखाई देगा सेंटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी आपको सेंटर ही दिखाई देगा, ठीक है। ये जो ये वाला हम अभी खोलेंगे, खोल के आपको मिलते हैं। निकाल दिए, ठीक है, ये वाला हम निकाल दिए, उसका जो बोल्ट है उसके उसी के साथ में लगा दिए। अब देखेंगे जो पहला सीट है, को पैसेंजर सीट है, ठीक है, को पैसेंजर सीट है, इसी के नीचे एक नट होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा लाइट में फिर जरूरत होता है, देखिए अभी तो आ गया फिट। ये वाला नेट है, इसी के एक बेल्ट लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा वाला जो नट है, यहाँ पे इस वाला नट में हम उसको लॉक लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे लॉक लगा देंगे और यहाँ पे बेल्ट लगा देंगे, ठीक है। बेल्ट लगा के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैंने फिर लगा दिया, आपको जो बताया था बहुत ही आसान तरीके से मैंने लगा दिया। थोड़ा दिक्कत हुई थोड़ा, क्योंकि नट जो है बहुत टाइट था, फिर भी मैंने उसे निकाल के लगा दिया, फिर उस पर माउंट कर दिया।
ये बात नहीं, आप भी देख सकते हैं मेरा जो पीछे वाला सीट है बिल्कुल लगा चुका, पहले तरह नहीं रहा, सेटिंग कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसे तरह से निकल जाता है। तो जो सीट बेल्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, सीट बेल्ट भी बहुत ही आसान तरीके से लगा दिया। देखिए ये जो को ड्राइवर साइड है ये वाला सीट बेल्ट मैंने अपने हिसाब से लगा दिया, ठीक है। अभी सेटिंग हो गया। अभी जो मेन पॉइंट था, जो प्रेग्नेंट की बात हम कर रहे थे, प्रेग्नेंट महिला के बैठने का जो तरीका बताए थे, जो थोड़ा इसी तरह बैठेंगे और जो ये जो सीट है थोड़ा पीछे तरह जाएंगे, ठीक है। और भी पीछे जाएंगे तो कोई बात नहीं, उसके हिसाब से वो बैठ सकते हैं, उसे जैसे कंफर्टेबल लगे बस उसने, ठीक है। अभी तो मैं सरप्राइज जो है मैं लगा दिया, तो आप पहले देख सकते हैं ये जो है ये सीट का जो निचला हिचला है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, मैंने लगा दिया जो सीट है सीट बेल्ट, आपको देख सकते हैं बिल्कुल लगा दिया। मैं डोर भी खोल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, और जो ये थोड़ा तकलीफ हो रहा है देखने के लिए क्योंकि सीट के निचले हिस्से में लगा हुआ है, तो लाइट भी दे देता हूँ। ये जो है देख लीजिए, मैंने इसे लगा दिया, ये जो सीट बेल्ट है और इसका ये जो लॉक पॉइंट देख सकते हैं, ये वाला जो लॉक पॉइंट है, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको किसी तरह उसको फिटिंग करेंगे, ठीक है। ये जो लॉक है ये पहले इसे बाहर निकाल दो इसे, और ये जो है सीट बेल्ट है इसको आप ऐसे ले आइए, मैं पहले से एडजस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। ये वाला जो सीट है खींच के ये आपको ले सकते हैं बाहर, और ये इसी तरह ले आइए, ठीक है, थोड़ा ले आइए ला कर इसे यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको लगा डालना है, ठीक है। और देखिए ये जो है बिल्कुल लग चुका है, यहाँ पे आया, यहाँ पे लग गया, ठीक है, ये बिल्कुल सही तरह से लग गया। ये का जो प्रेस बटन है ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, अभी ये निकल गया, फिर आप चाहे तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। वो देखिए कैसे मेरे ऊपर फिट हो गया, देखिए बिल्कुल शायद कैमरा में कोई देखिए, ये जो है ये मेरे पेट को जो पहले लगा हुआ था मेरे पेट को, तो ये आसान तरीका है, ये जंघों में रहता है बिल्कुल, ये जंघों बिल्कुल जंघों में ऊपर रहता है, ठीक है, बिल्कुल जंघों में ऊपर है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं आएगा बच्चे के ऊपर, माँ के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, वो आराम से बैठ सकते हैं अपनी तरीके से, और हो सके तो एक तकिया या पिलन को लगा के बैठ सकते हैं। काफ़ी गर्म है इधर, अभी तो 12:30 बज गया है, थोड़ा गर्म लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जितना हो सका आपको समझाया, क्योंकि मैंने जो मेरे घर में मेरे बहन और मेरे बीवी दोनों ही प्रेग्नेंट हैं, तो इसी दौरान उस गाड़ी में आना जाना तो लगा रहता है, लगभग 100-150 किलोमीटर तो डॉक्टर के पास हर चेकअप के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा दिक्कत हुआ तो मैंने सोचा एक सीट बेल्ट दूसरा खरीद लें ताकि बैठने के लिए अच्छा है ऐसा करने के लिए, लेकिन मैं जो ऑनलाइन सर्च किया तो लगभग 1000-1200 रुपये में आता था, लेकिन इतना पैसा खर्च करके फिर भी ये सब करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने एक सोचा क्यों ना एक प्रोजेक्ट तैयार कर लें ताकि हमारे गाड़ी में अंदर है, तो सोचा कि मिडिल पोर्शन का जो सीट बेल्ट है वो तो हमारा कोई काम का आता ही नहीं है, तो ठीक है उसे हम काम में लगा दिया, ठीक है। तो डॉक्टर जो पहली बात बोलते हैं ये कि जो सीट बेल्ट है पेट के ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है, पेट के ऊपर नहीं आना चाहिए, आपको किसी भी तरह का सीट बेल्ट किंतु यूज करना है, लेकिन आपको सीट बेल्ट यूज करना है पेट के ऊपर नहीं आना है। अरे भाई सीट बेल्ट यूज करेगा तो पेट के ऊपर आएगा ही, लेकिन मैंने ऐसे जुगाड़ कर लिया कि पेट के ऊपर नहीं आया, कोई भी प्रेशर बच्चे ये माँ के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अभी फिर से देख लीजिए मैंने सही तरीके से सीट बेल्ट को
पकड़ लिया, यहाँ से आया और यहाँ से यहाँ पे लग गया। फिर ये वाला जो है, ये वाला जो है यहाँ पे लग चुका है। अभी जो मैंने इसे माउंट किया ये वाला है, तो ये वाला है, इसे माउंट किया है ना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, कमेंट देना ना भूलना। ठीक है।